बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और कुल मिला के बड़ी चीज ये कि बड़ा जोश है। कार्यालय के अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में जो कार्यकर्ता है वो सड़कों तक पहुंचे हैं। गाड़ियां लगाने की जगह भी बीजेपी कार्यालय में नजर नहीं आ रही है। बीजेपी का तो परचम बहुमत की सरकार की बात कही जा रही है, तरीके से परचम बहुमत बीजेपी को मिलेगा वो कहीं ना कहीं अब दिखने भी लगा। हालांकि मुख्यमंत्री सिंह धामी जरूर अपना ये चुनाव हारे हैं लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की जीत को लेकर वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में जोरदार स्वागत उसका बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी मीडिया से संवाद करेंगे, मीडिया को बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी बहुमत की सरकार बनती है बेहतर तरीके से। पिछले 5 साल में बीजेपी ने प्रदेश में काम किए हैं उनकी बदौलत प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार आपको वो तस्वीरें दिखाई मेरे सहयोगी सुभाष लगातार नॉनस्टॉप सुबह से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं और अभी पुष्कर सिंह धामी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं जो कि लाइव तस्वीरें आपने देखी हैं और सुभाष मेरे सहयोगी ने लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाई है। लेकिन सुभाष बड़ा सवाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी अगर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं तो इसका क्या संकेत हो सकता है? एक बड़ा संकेत, वो भी तब जब वो खुद चुनाव हार गए लेकिन वो कार्यालय पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए लेकिन उसके बावजूद उनके मुख्यमंत्री बनने के जो आसार है वो अभी बरकरार है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद पुष्कर सिंह धामी पर ही बीजेपी एक बार फिर भरोसा करेगी। तो उस तरीके से पिछले 4 से 5 महीनों में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया है और ये कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी एक बार फिर सरकार नहीं बना पाएगी पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर ऊर्जा बीजेपी में आई लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि शायद उनको एक बार मौका फिर दिया जाए और जिस तरीके से यदि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कोई ऐसी सीट होगी जो सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए खाली कराई जाएगी और सीट पर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन यही बड़ी वजह है कि शायद पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी में बरकरार रखा जा सकता है। जी वहीं से बताओ गैसड़ी क्या है, गैसड़ी और वो लिखो भी जुड़े हुए जो ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे थे कि लेकिन ये तस्वीरें लखनऊ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लखनऊ की आज सबसे दिलचस्प तस्वीरों में से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुभाष गौर हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से देहरादून से जुड़े हुए हैं और देहरादून से ये बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे थे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आपको दिखाई गई, धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। योगेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी बलरामपुर से जुड़ चुके हैं, योगेंद्र के पास सीधा रुख करेंगे। योगेंद्र बलरामपुर से एक बड़ी खबर का जिक्र हम करेंगे लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर से बड़ी खबर हेमंत, बड़ी खबर यह आ रही है कि ऐतिहासिक जीत हासिल की है योगी आदित्यनाथ ने, औपचारिक ऐलान हो गया, 1,02,000 से ज्यादा वोटों से एक तरफा जीत योगी आदित्यनाथ ने हासिल किया गोरखपुर से। जी बिल्कुल तिलक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, योगी आदित्यनाथ की ये ऐतिहासिक जीत है और पहला विधानसभा चुनाव वो लग रहे थे और 1,02,000 वोटों से वो जो चुनाव जीत चुके हैं। तो और समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में एक जो है रणनीति तैयार की थी और बामन चेहरों को साथ जो है उनको गोरखपुर में घेरने की कवायद की थी। सुभावती शुक्ला को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा था समाजवादी पार्टी ने लेकिन उसका कोई असर दिखता नजर नहीं आया और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जो है वहां ऐतिहासिक उन्होंने जीत दर्ज की है और 1,02,000 मतों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की जितनी स्ट्रेटजी थी जो रणनीति थी सब फेल हुई है धरातल पे और उन्होंने ब्राह्मण चेहरों के साथ जो है ब्राह्मण चेहरों को सहेजने की, ब्राह्मण समाज को सहेजने की जो उनकी जो प्लानिंग थी वो धराशायी हुई है और समाजवादी पार्टी अपने रणनीति में एक बार पूरी तरह से फेल्योर पूर्वांचल में
सीखी है और जनता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक ऐतिहासिक जीत दी है और 1,02,000 बिल्कुल हेमंत मैं बलरामपुर रुक करूं, लेकिन उससे पहले मैं सुभाष आपके पास आना चाहूंगा। सुभाष, अभी ग्राउंड जीरो से आपने बेहतरीन तस्वीरें दिखाई और सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ जीत हासिल कर रहे, लेकिन खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद जैसे ही बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो आपने वो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमें दिखाई, लेकिन हरिद्वार से जो बड़ी खबर आ रही है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। सुभाष, हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर रिजल्ट घोषित हो गए, लेकिन दिलचस्प मुकाबला मंगलोर सीट पर सरवत करीम अंसारी ने बाजी मार ली है और काजी निजामुद्दीन चुनाव हार गए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, काजी निजामुद्दीन खुद चुनाव हार गए, कांग्रेस के युवा और बड़े चेहरों में से एक काजी भी चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि काजी निजामुद्दीन इस बार अपना चुनाव हार गए, लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा था उनको और ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे, यानी कि कांग्रेस में पहले ही तय कर लिया गया था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं इस विभाग का मंत्री बनूंगा, तो वैसे ही ये कहा जा सकता है कि उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया था कि यदि वो जीतते हैं तो वो इस बार उनको मंत्रालय मिलना तय है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर वो सवाल उठाते थे, गन्ना मूलों को लेकर वो सवाल उठाते थे, बड़े प्रदर्शन करते हुए वो नजर आते थे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जनता के लिए जो काम कर रहे थे, जनता को जिस चीज को लेकर जनता उन्होंने पसंद करती, शायद वो नहीं कर पाए और यही वजह है कि वो अपना चुनाव इस बार हार गए। लेकिन भगवानपुर से बड़ी खबर आ रही है, ममता राकेश तीसरी बार चुनाव जीत गई, औपचारिक ऐलान हो गया, देवर जी को पटकनी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, ममता राकेश ये देखा जा रहा था कि दोपहर के बाद से ही वो लीड बनाई हुई थी और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि शायद ममता राकेश फिर एक बार अपना चुनाव जीत सकती है और शायद उन्होंने वो करके भी दिखाया, क्योंकि लगातार उनकी बढ़त बढ़ती ही जा रही थी और उनकी लोकप्रियता भी उस विधानसभा सीट पर बहुत ज्यादा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था, एक तरफ बीजेपी थे, दूसरी तरफ कांग्रेस थी, तो तीसरी तरफ बसपा भी उस विधानसभा सीट पर एक मजबूत दावेदार थी और देवर भाभी की जो ये कहा जा सकता है कि चुनावी लड़ाई थी वो शायद भाभी जीत गई और देवर कहीं ना कहीं इस बार फिर अपनी भाभी से चुनाव में लेकिन लेकिन एक बड़ी खबर सुभाष रुड़की से भी आ रही है। रुड़की में प्रदीप बत्रा ने एक बार फिर से बाजी मारी है, रुड़की में प्रदीप बत्रा चुनाव जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप बत्रा की अगर बात की जाए तो प्रदीप बत्रा लगातार ये चर्चाएं भी उनकी थी चुनाव से पहले कि शायद वो पार्टी छोड़ दें, लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके से उनके बयान आए, उन्होंने कहा मैं बीजेपी का सिपाही हूँ और बीजेपी में रहकर मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा, और शायद वो दिखाकर इस बार जिस तरीके से नतीजे आए हैं रुड़की में, ज्वालापुर रवि बहादुर जीतती भी नजर आ रही है, तो यही ज्वालापुर कांग्रेस के खाते में गई है, वो पूरी कर रहे हैं, ज्वालापुर कांग्रेस के खाते में रवि बहादुर ने बाजी मारी है। बिल्कुल, रवि बहादुर को लेकर बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि शायद रवि बहादुर अपनी जमानत वहां जब्त कराएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नतीजे अब सामने आ रहे हैं, खासतौर से हरिद्वार जनपद की अगर मैं बात करूं तो कुछ अलग ही चीज हरिद्वार जनपद में नजर आए, जो मैदानी जनपद की बात कही जाती है कि मैदान में मोदी फैक्टर नहीं चलता, सरकार जो काम करती है उसके बेस पर जो जनता है वो वोट देती, किसान जो है मूलभूत वो वोट देता, तो शायद वो नजर भी आया। सुभाष, मैं और पूरा उत्तराखंड बद्रीनाथ का रिजल्ट जानना चाहता है, बद्रीनाथ का रिजल्ट एक बार कंफर्म करिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, बद्रीनाथ का रिजल्ट जल्दी से कंफर्म करिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई चल रही थी, एक वोट से आगे चल रहे थे राजेंद्र भंडारी। मैं सीधा बलरामपुर रुक कर रहा हूं, बलरामपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र जुड़े हुए हैं, बलरामपुर से क्या खबर है योगेंद्र? चाहूंगा बलरामपुर में जो 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी ने उस पर लगभग विजय हासिल कर ली है, अभी उसकी घोषणा होनी बाकी है। गैसड़ी विधानसभा एक सीट है जो अभी फंसी हुई है और वहां पर अभी वोटों की गिनती चल रही है, तो अभी उसके बारे में जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बलरामपुर सदर विधानसभा सीट, उतरौला विधानसभा सीट और तुलसीपुर विधानसभा सीट, इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने फतेह हासिल कर ली है और इसकी औपचारिक घोषणा होनी अब महज बाकी है। मगर बलरामपुर सीट की बात करूं तो तकरीबन 10,000 मतों से पलटू राम, जो कि राज्य मंत्री थे होमगार्ड्स और सैनिक कल्याण, उन्हें विजय हासिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और उतरौला विधानसभा सीट पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वो तकरीबन 9,000 मतों से आगे चल रहे हैं, तो उनकी भी जीत पक्की मानी जा रही है। जबकि तुलसीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाशनाथ शुक्ला को
बड़ी जीत हासिल हुई है और उन्होंने लगभग 36,000 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेबा रिजवान को फतेह दी है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अंतर है वो तुलसीपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। यहीं पर देवीपाटन शक्तिपीठ है, यहीं पर योगी आदित्यनाथ हर दूसरे तीसरे महीने आते हैं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और वो तमाम बार यहाँ पर जब आते हैं तो वो योजनाओं की बात करें या कुछ और चीजों की बात करें तो उससे जो कुल हासिल रहा बलरामपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का वो 3 सीटें हैं। अभी 1 सीटों पर, जैसा कि मैंने कहा कि मामला फंसा हुआ है, अभी वहां पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। जी, कुशीनगर से संतोष मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए, लेकिन एक दो बड़ी खबरें आ रही हैं और वो खबर मैं हेमंत आपसे कंफर्म करना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर जीत के करीब बताए जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जीत के करीब हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य 25,000 वोटों से चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य 25,000 वोटों से चुनाव हार गए, कंफर्म करिए जरा खबर। हेमंत जी, जी 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 तिलक सर, ये कंफर्म है खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य 25,000 वोटों से हार गए? जी बिल्कुल सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ में खबर आ गई है और जो है ओम प्रकाश राजभर भी जो है नजर आ रहे हैं और अभी चुनाव परिणाम की राजभर की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्वामी प्रसाद राजभर के हाथ में खबर आ चुकी है। कुछ लग जी ये बड़े चेहरे थे जो समाजवादी पार्टी को जिता रहे थे और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर आए थे, तो चुनाव हार रहे तो जाहिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब उनको ही उनके लोगों को आगे बढ़ा रही है, उनको ही हार का मुंह देखना पड़ा तो समाजवादी पार्टी का क्या असर होगा। तो कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास अभी भी जनाधार है और बीजेपी का जनाधार जो है कुछ भी मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने जो भी मैनिफेस्टो में जनता के साथ घोषणा पत्र साझा किया था, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया और जो 5 साल की जो योजनाएं थी डबल इंजन सरकार की वो उसने जो धरातल पे जो कुशीनगर से संतोष जुड़ गए हैं और एटा से मोहम्मद आसिफ, एटा की क्या स्थिति है आसिफ जरा प्लीज बताइए। बताने की कोशिश करूंगा सर, ये एटा जो सियासी पिच थी यादव का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर दिखाई जा रही थी, लेकिन हालांकि समाजवादी पार्टी को पछाड़कर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार चारों विधानसभा पर काबिज है। मोहम्मद आरिफ के पास सीधा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबरें आ रही हैं, संगीत सोम बताया जा रहा है कि पीछे चल रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न की तैयारी हो चुकी है और बकायदा पुष्कर सिंह धामी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त। पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त की, पुष्कर सिंह धामी जो कि खुद चुनाव हार गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी बताया जा रहा है उनके साथ मौजूद हैं और ये बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी इस वक्त उनके साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। धामी खुद चुनाव हार गए, हरीश रावत चुनाव हार गए और अगर बात यूपी की करें तो साइकिल पंचर हो गई और बुलडोजर चला और सब कह रहे हैं यूपी में बाबा 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 रे बाबा, और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो संकेत आए उसके बिल्कुल विपरीत, भले ही नतीजों के लिहाज से उत्तराखंड में भी कमल खिला लेकिन धामी खुद चुनाव हार गए। वीडियो गेम्स खेलूं तो धामी खुद चुनाव हार गए और बड़ी खबरें ये आ रही हैं जो कि ग्राउंड जीरो से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं और अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। सहारनपुर की नुक्कड़ सीट पर भी नतीजे सामने आ गए हैं, धर्म सिंह सैनी पीछे चल रहे हैं 52,000 वोटों से। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुशीनगर से, संतोष जी आपके पास क्या कुछ अपडेट? संतोष जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज कट के आ रही है सर। जी सर जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कुशीनगर की क्या स्थिति है, कौन जीता कौन हारा? कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर जनपद में कुल 7 विधानसभा सीट है सर, 7 विधानसभा पर कमल खिल रही है।
यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो अभी 23-24 का मतगणना हो चुकी है और अब तक ये 26,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि औपचारिक ऐलान हो चुका है, वो 26,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। संतोष जी, जी ये जी औपचारिक सभी सीटों पर भाजपा कमल खिल चुकी है। 7 विधानसभा है, यहाँ अजय कुमार लल्लू तीसरे स्थान पर है, 88,000 वोटों से मतलब वो हारे हैं। और कौन कौन सी दिलचस्प सीटें हैं कुशीनगर में? कुशीनगर की दूसरी दिलचस्प चीज पटरौना है, जहां पर कुंवर आरपीएन सिंह जी अपने प्रत्याशी को लड़ाए थे, मनीष कुमार जायसवाल जी, यहां भी वो इस समय तक 23,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ठीक है, संतोष जी को अलविदा करिए, थैंक यू सो मच।